बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सूर्य का संबंध राजनीति से भी होता है और राजनेताओं से भी होता है, तो राजनीति के मामले में और राजनेताओं के मामले में इस ग्रहण का क्या असर होगा? देखिए, राजनीति में रिश्ते टूटेंगे भी और जुड़ेंगे भी। लोग पार्टियां बदलेंगे, लोगों के पद इधर उधर होंगे, ये संभावना बनेगी। सत्तारूढ़ पार्टियां जहां जहां पर जो पार्टी शासन में है उसको नुकसान होगा और उसके जो मुखिया हैं उनके लिए संकट का समय परेशान कर सकता है उनको। देश के विशिष्ट लोगों को इस समय समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण। इसीलिए देश के जो विशिष्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो नामवर लोग हैं, उनको इस समय समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और इस समय बहुत सारे बड़े लोगों को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, ये संभावना भी निश्चित रूप से इस समय दिखाई दे रही है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये शासन के लिए, सत्ता के लिए और विशेष पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये संभावना बन रही है। अब इस समय जिस चीज को लेकर हम सब शंकित हैं, आशंकित हैं, वो चीज है कोरोना वायरस। तो इस सूर्य ग्रहण का कोरोना पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि जब चंद्र ग्रहण होगा तो जो वायरस है उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी। इस समय कमी आती दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य ग्रहण इस बीच में आ गया, इसका क्या असर पड़ेगा? वृष राशि का ये ग्रहण नई बीमारियां ला सकता है। कोरोना के मामले तो देखिए जैसे घट रहे हैं, तकरीबन वैसे ही घटेंगे, लेकिन जो इस बीच में फंगस का मामला सामने आ गया है या किसी और नई तरह की बीमारी इस समय सामने आ सकती है। कोरोना का मामला जैसे डाउन हो रहा है वैसे ही डाउन होता रहेगा, लेकिन फंगस के मामले बढ़ सकते हैं और नई बीमारियां इस बीच में कूद सकती हैं। स्वास्थ्य की स्थितियों में पुनः गिरावट आ सकती है, यानी लोगों को अपने स्वास्थ्य का इस समय में थोड़ा ध्यान बनाए रखना होगा, स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को सावधानी रखनी होगी। नई बीमारियों की चूंकि संभावना बनती है, तो औषधियों की जो कमी है ये पुनः लोगों को समस्या दे सकती है, ये संभावना बन रही है। इस समय दवाइयों के वितरण पर और प्रयोग पर ध्यान देना होगा कि दवाइयां लोगों को सही समय पे मिलें, सही समय पे वैक्सीनेशन हो और दवाइयों का सही प्रयोग हो। अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए तो बहुत आसानी से इस मुश्किल समय से हम निकल पाएंगे। इसका प्रभाव अगले 15 दिन तक यानी लगभग 25-26 जून तक दिखाई देगा। इस ग्रहण का कारोबार पर क्या असर होगा? देश के व्यापार पर, देश के कारोबारियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बनती है। इस समय कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव लोगों के हो सकते हैं। हालांकि शेयर बाजार में और कीमती धातुओं के बाजार में उछाल आ सकता है, शेयर बाजार जंप कर सकता है और जो कीमती धातुएं हैं उनकी कीमत भी थोड़ी बढ़ सकती है। कर्ज का लेन देन इस समय सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रभावित होगा और अगर आप कर्ज लेंगे तो ऐसा कर्ज चुकाने में आपको बहुत दिक्कतें होंगी। साझेदारी के मामले में इस समय सतर्कता बरतना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे कारोबारों में पार्टनरशिप के मामले में दिक्कतें पैदा होंगी, पार्टनरशिप टूटेंगे, भंग होंगे, इस तरह की संभावनाएं इस समय बन सकती हैं। अब सूर्य ग्रहण है, आप ये नहीं कह सकते कि भारत में न्यूनतम दिखाई देगा तो इसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, सूर्य कहीं भी हो, पूरी दुनिया में सूर्य एक ही है, सूर्य प्रभावित होगा तो आप जरूर प्रभावित होंगे, अच्छी तरीके से भी और बुरी तरीके से भी। तो ग्रहण के दौरान किस तरीके का उपाय करें कि ग्रहण से समस्याएं ना हों? देखिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, एक घी का दीपक जलाइए
और भगवान को लाल फूल अर्पित करिए। ये ग्रहण के दौरान आप करेंगे। ग्रहण के समय में पूजा स्थान पे दीपक जलाकर भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हो, लाल फूल अर्पित करें या सूर्य भगवान का ध्यान करके उनको लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद या तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। और पूजा जब समाप्त हो जाए आपकी, तो सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। सूर्य देव से प्रार्थना करें कि सूर्य देव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी नकारात्मक असर आपको प्रभावित नहीं करेगा। देखिए, जो ग्रहण काल होता है वो बड़ा कीमती समय होता है, और ग्रहण काल में पूजा उपासना करना बड़ा अच्छा होता है। और ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है, ताकि सूर्य ग्रहण का कोई भी बुरा प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। और फिर बता दूं मैं, फिर याद दिला दूं मैं, कि ये सूर्य ग्रहण भारत में न्यूनतम दिखाई देगा, लगभग नहीं के बराबर दिखाई देगा। इसलिए इसके सूतक के कोई भी नियम भारत पे लागू नहीं होंगे, और भारतवर्ष में मंदिरों में जैसे पूजा पाठ हो रही है वैसे ही होती रहेगी। आप अपने सामान्य जीवन का पालन कर सकते हैं, किसी भी तरह की वर्जना या किसी भी तरह का प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं।